बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें तो अभी तक आप लोग जान ही चुके हैं, मैं हूँ मैकी सरफी की। आज मैं आपके पास डेली व्लॉग में एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें आज हम बना रहे हैं मीठे चावल, जिसको आप जर्दा भी कह सकते हैं, बल्कि जर्दा ही कहते हैं। चले जी, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको अपनी रेसिपी बताते हैं। बनाना तो सबको ही आता होगा, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे। चले जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज हम बनाने लगे हैं मीठे चावल, जिनको आप जर्दा भी कहते हैं। चले जी, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने चावल बॉयल करने हैं। हम अपने 2 गिलास चावल ले चुके हैं। इनको हमने तकरीबन आधा घंटा हो चुका है कि इनको भिगो के रख लिया हुआ है। दूसरी तरफ इनका पानी बॉयल करने के लिए हम रख चुके हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसका पानी बॉयल कर लिया है। पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देते हैं और चावल ऐड करके चावलों को तब तक पकाएंगे जब तक के चावलों में 2 कनी रह ना जाए। 2 कनी पे हम अपने चावल उतार लेंगे। तो ये चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं। इनमें चावल बॉयल होते हुए में हम एक बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देते हैं जी। तो ये दूसरी तरफ हमारे चावल जो उनसे हैं ये बॉयल हो चुके हैं। ये हमने तकरीबन 2 कनी पे अपने चावल उतार लिए हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी हम दूसरी तरफ अपना शीरा रेडी कर लेते हैं जी। तो दूसरी तरफ हम अपना शीरा रेडी कर लेते हैं। शीरा रेडी करने के लिए हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल हमने अच्छे तरीके से इसको हीट कर लिया है। अगर आप इसमें इलायची ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इलायची ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमारे बच्चे इलायची का टेस्ट पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो जो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहें आप लास्ट पे ऐड कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल सिंपल राइस बनाकर दिखा रहे हैं कि आप अपने घर में ईजीली इनको बना सकें और अपने बच्चों को खुश कर सकें जी। तो इसके लिए हमने अपना ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है। इसके अलावा हमें चाहिए था इसके लिए 1/2 ग्लास पानी, हमने 1/2 ग्लास पानी ले लिया है। और इसके अलावा हमें 2 ग्लास चावलों के लिए हमें चाहिए थे 1.5 ग्लास चीनी। ये हमने अपनी चीनी रख ली है, 1.5 ग्लास चीनी, जिससे हमने चावल मापे थे। ये है हमारे पास पानी, इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन जो सा 1/2 ग्लास पानी रखा हुआ था ये इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। जी तो जो हमने 1/2 ग्लास पानी रखा हुआ था वो पानी और ये चीनी हमने उस ऑयल में ऐड कर दिया है, जो कि हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसको अच्छे तरीके से चीनी को इस ऑयल में और इस पानी में मेल्ट कर लेते हैं ताकि हमारा शीरा रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा शीरा बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 1 पिंच जर्दा रंग। तो ये देखें हमारा शीरा जो उनका है ये बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके से। इसमें हमने जर्दा रंग डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ये जो बन रहे हैं बबल्स, ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल सी शेप में आ चुका है शीरा। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चावल। तो हम अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स। अभी हमारे चावलों में कलर थोड़ा सा कम है, कोई मसला नहीं। अगर आपके चावलों में कलर थोड़ा सा कम हो जाए आप उसको थोड़ा सा पानी लेके उसमें ऐड करके फिर से डाल सकते हैं, जितना मर्जी कलर, जितना आप पसंद करते हैं जी। तो ये हमने अपने गिलास में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा कलर। इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
जी। तो इसका शीरा जब तक के खुश्क होता है तब तक हम इसको इसमें चावलों को अच्छे तरीके से पका लेते हैं। जो ही इसका शीरा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम अपने चावलों को दम पर रख देंगे। जी तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारा पानी काफ़ी हद तक शीरे का ड्राई हो चुका है। अभी हम इनको लगा देते हैं दम चावलों को, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इनको दम लगा देंगे, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जी तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने चावलों का दम खोल लिया है। हमारे चावलों की कुछ शेप इस तरीके से है। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके के बने। मीठा सब्जी वाले हार्दिक के फेवरेट राइस। जी तो ये हमारे बहुत ही यम्मी से राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो वीडियो में लाइक करें। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और घर में इस तरीके से बहुत ही इजी वे से आप घर में चावल बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके राइस किस तरह के बने हैं। इसी के साथ हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।